हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम करंट अफेयर का चौथा चौथा पार्ट लेके आए हैं। अभी तक इसके पहले हमने तीन पार्ट इसके प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें 25-25 क्वेश्चन हैं। तो इसे लेकर टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। जो भी एग्ज़ाम हमारे लगे हैं, NTPC, ग्रुप डी और UP पुलिस के जेल वार्डन, फायरमैन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा? मतलब हाथी का पहला पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कहाँ पे? केरल राज्य में, कोट्टूर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉनी इवे ने किस कंपनी के मुख्य डिजाइन अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया? तो किसने दे दिया? एप्पल के हैं जॉनी इवे। किस कंपनी से इस्तीफा दिए हैं? एप्पल, जो कि सबसे महंगी कंपनी थी। चलिए अगला देखते हैं, किसने क्रोएशिया ग्रांड शतरंज टूर जीता है? तो किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने किस संगठन के साथ 50 साल की साझेदारी को मनाने के लिए कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉफ़ी टेबल बुक किस संगठन को मनाने के लिए किया है, तो UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। अगला देखते हैं, जुलाई 2019 में जनधन बैंक खातों में जमा राशि कितने करोड़ को पार कर गई है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो कितने करोड़ पार कर गई है? लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर हो गई है। अगला देखते हैं, किसे DGCA प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अरुण कुमार को। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2019 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में पतंग महोत्सव आयोजित किया गया, जहाँ से बहुत सारे विदेशी लोगों ने भी भाग लिया था। चलिए अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुरु गोविंद सिंह की 352वीं जयंती के अवसर पर कितनी राशि का स्मारक सिक्का जारी किया? तो 350 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसे भी। हाल ही में मोदी ने कहाँ पर देश का पहला राष्ट्रीय भारती, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्रहालय का उद्घाटन किया है? राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्रहालय का उद्घाटन किया, तो मुंबई में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर, 25 जनवरी को देश का 9वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2019 मनाया गया, इसकी थीम क्या है? पहले चीज ये याद रखेंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया था, तो 25 जनवरी को। ये कौन से नंबर का था इस बार? 1909वां नंबर का था 2019 का। तो इसका जो थीम होता है, स्लोगन होती है, वो क्या थी? कोई मतदाता ना छूटे। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 संबंधित है सवर्ण आरक्षण से, ये तो पता है मगर चर्चित है, इसे याद रखेंगे जरूर, ये आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा कि सवर्ण आरक्षण किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पारित हुआ, तो किस, 124वां, और इसमें कितने प्रतिशत, तो 10% की छूट मिलेगी, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, 2019 ग्लोबल स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया था? रांची में। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेले 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया 2019 में? तो नई दिल्ली में। अगला, किस राज्य की सरकार ने 2019-20 के बजट में हर दुल्हन को 1 तोला सोना देने की घोषणा की है? मतलब सभी दंपत्ति को, जितनी भी दुल्हन होंगी नई, उन्हें 1 तोला सोना देगी और 1 रुपए किलो चावल भी प्रदान करेगी। तो ये किसने? असम की सरकार ने। अगला है, किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा बार हॉफमैन कप जीतने का इतिहास रचा है? तो बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, रोजर फेडरर, लगातार मतलब लगभग 3 बार जीत चुके हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? मानव संसाधन
विकास मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया, किस लिए? शिक्षा की बदहाली को देखते हुए इसे अच्छे तरीके से लागू करने के लिए शिक्षा प्रणाली को ये लागू किया गया। चलिए देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा जारी रैंकिंग में 48 किलोग्राम भार वर्ग में दुनिया की नंबर वन महिला मुक्केबाज कौन बन गई हैं? तो मैरी कॉम जी है, भारत की सबसे सशक्त मुक्केबाज हैं और इन्होंने 6 बार विश्व महिला मुक्केबाज का खिताब भी जीता, छठी बार, और सबसे ज़्यादा बार जीत चुकी हैं ये, तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके लिए। अगला है, किस राज्य ने एक परिवार एक नौकरी की योजना शुरुआत की है? एक परिवार एक नौकरी की योजना की शुरुआत की है, तो सिक्किम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे हर एक परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में होगा। इसके लिए सरकार ने पहले 20 हजार जॉब देने की शुरुआत की है, तो ये मतलब हर परिवार के, जिसके परिवार में कोई पहले से नौकरी नहीं कर रहा, तो हर परिवार का एक सदस्य को नौकरी सरकार देगी, तो बहुत ही अच्छी पहल है। चलिए अगला देखते हैं, 19 नंबर, मेसोडोनिया ने नाम बदलकर क्या नाम रखा? अभी मेसोडोनिया जो देश था उसने अपना नाम बदलकर उत्तरी मेसोडोनिया गणराज्य नाम रख लिया है। अगला देखते हैं, किस लोकप्रिय नेता को 2019 का फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला देखते हैं क्वेश्चन, संपूर्ण विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो याद रखेंगे, पहला शिक्षा दिवस, संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो इसी साल 24 जनवरी 2019 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, IMP क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने हाल ही में चांद पर कपास उगाने में सफलता प्रदान की है, प्राप्त की है? तो चांद पर कपास किसने उगाया है? तो चीन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चीन ने अभी हाल ही में चांद पे कपास उगाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का खिताब कितने जीता है? तो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? डी मुकेश, मात्र ये 12 साल के हैं। ग्रैंड मास्टर की पदवी क्या होती है? जो शतरंज में इसकी पदवी दी जाती है, चेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को द्वारा 2020 के लिए किस शहर को वास्तुकला की प्रथम विश्व राजधानी का नाम दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे, तो किसको दिया गया है? रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील में है, यहीं पर अभी हाल ही में ओलंपिक खेल हुए थे, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला है, हाल ही में LIC ने किस बैंक की 51% हिस्सेदारी अधिग्रहण की है? तो IDBI ने। तो ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।